हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश पांडे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग वॉल को क्रिएट करेंगे। जैसा कि हमने वॉल को क्रिएट किया, अब इसे रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है कि इसके अंदर डोर की और विंडो की कटिंग हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फ्रंट वॉल भी हमने लास्ट टाइम हमने फ्रंट वॉल को भी क्या कर रखा था कि 10 फीट का कर रखा था, बट हमें 10 फीट का नहीं करना है क्योंकि फ्रंट वॉल को हम पैरामीटर की तरह देना है। तो पैरामीटर हम लोग 3 से 4 फीट का देंगे। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया। और ये तो हमने कॉलम है हमारे, सो हमने कॉलम को 10 फीट प्रोवाइड कर दिया लाइक दैट। आफ्टर दिस लाइक हमें इसके लिए क्या करना है, इसको आप देखिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि ये सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रियलिस्टिक व्यू है, तो इसमें प्रॉपर आपको बाउंड्री दिखाई नहीं देती। अब जैसे इसको वायर फ्रेम करिए, देखो तुरंत सेलेक्ट हो गया। तो हमें सब पूरी ड्राइंग जो पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वायर फ्रेम में ही बनाने की कोशिश करिए। तो जैसे कि मैंने इसको 4 फीट का पैरामिट वॉल बनाया है, 4 फीट का वॉल बना दिया हमने। और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो नेक्स्ट टारगेट है डोर और विंडो को किस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, तो डोर विंडो को कट करने के सबसे पहले आप टॉप व्यू में जाओ, इसके बाद इसको 2D वायर फ्रेम में कर लो, एंड देन जस्ट क्लिक हियर एंड ऑफ योर दैट लेयर्स, लाइक 3D वॉल को ऑफ कर दो, जस्ट ऑफ पॉली का एमओवी। और नेक्स्ट वर्क इज जस्ट ओपन योर 3D विंडो, यू वांट विंडो जस्ट क्लिक 3D विंडो, जस्ट टेक रेक्टेंगल कमांड एंड ड्रॉ योर विंडो साइजेस, लाइक फ्रॉम हियर टू दिस योर विंडो, one more window is here, so just click here to here. After this just click here to here. Now then just draw from here to here and here to whatever window you have, you can just trace on that windows same like that. And okay, after that if you want to create that same time your door also, so you can just open your door there, 3D door, not door, 3D window, 3D wall, 3D door layer is not there, so you can just click on layer properties, create your 3D door layer, 3D door, and you can give the colors whatever color you want, you can just put here color. Okay, after this 3D ventilation color is there. Okay, just open your 3D door color, and 3D door is now here, so you can just again trace your 3D door. Your door is from this side to this side, you can just click here and click here to here. After that any other door, yeah, this door is there, so you can put from here to here, and again from this side to this side. Then any other door, yeah, one door is here, from here to here. After that any other door, no, yeah, this door. So you can just click here and from here to here. और भी आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ और ड्राइंग को आप सेंड करो, तो मैं आपको उसके ऊपर भी आपको 3D मॉडल बना कर दे सकता हूँ। अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट है AutoCAD पे, रेबिट पे, 3ds Max पे, उसमें भी आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई साइट्स, एनी टाइप ऑफ हेल्प। अब यहाँ पे हमको वेंटिलेशन पे काम करना है, लाइक वेंटिलेशन को भी 3D में कन्वर्ट करना है, तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे। एक कंडीशन नॉर्मल वेबसाइट, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको आइसोमेट्रिक में क्लिक किया, और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो पे काम करते हैं, तो विंडो लेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो विंडो लेयर के लिए हमने क्या किया, 3D विंडो यहाँ पे एक्टिवेट कराया, 3D window is there. After this select all windows, like this one, this one, and this one, this one, sare jitne hamare windows hai, window ko ek baar select kar lijiye, yeah, so window mein select kar liya,
आफ्टर दिस जस्ट एक्सट्रूड दिस, सबको एक्सट्रूड करिए। अब विंडो जो होगी, विंडो हमारी 4 फिट की होगी, तो उन्हें 4 फिट डाला, 4 फिट डाल के हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब विंडो की सील हाइट होगी, सील हाइट कितनी होगी, सील हाइट हम लोग स्टैंडर्ड सील हाइट हमारी कितनी होती है, 3 फिट। तो हमने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव कर दिया 3D मूव फ्रॉम हियर टू हाउ मच 3 फीट, क्योंकि सील हाइट हमारी 3 फीट होती है। इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सोच रहा है इधर हम लोग इसके बाद विंडो ही तैयार कर लेते हैं, तो सॉरी डोर के लिए तैयार कर लेते हैं। डोर के लिए हमने डोर के लिए सिलेक्ट किया, और इसके बाद आप चाहो तो डोर लेयर एक्टिवेट करा दो, एक्टिवेट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से डोर लेयर से हमने ये लेयर सेलेक्ट कर लिया, ये और ये जितने डोर है हमारे पास सारे डोर हमने सेलेक्ट कर लिए, और कोई डोर बचा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो अब इसको डोर को भी लिया, अब डोर की हाइट कितनी होगी हमारे पास, डोर की हाइट होगी हमारी 7 फीट। तो हमने क्या किया, इसको 7 फीट इंटर डन, ये हमारा डोर भी तैयार हो गया, हमारा क्या बोलते हैं विंडो भी तैयार हो गया, डोर हमारा 3D विंडो लेयर में चला गया। तो ये देखिए विंडो लेयर एक्टिवेट था हमारा, इसलिए विंडो लेयर के अंदर वो चला गया। तो अभी जैसे डोर हमारा विंडो लेयर में चला गया, इसको हमको डोर लेयर में भेजना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सेलेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है आपसे भी हो जाएगा, तो उसको चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया सबको, और सिलेक्ट करने के बाद इसको जिस लेयर में एक्टिवेट कराना है उस लेयर को ओपन करिए, यहाँ से उस लेयर पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको उस लेयर में चला जाएगा। 3D हमें डोर लेयर में चाहिए था, डोर लेयर में आ चुका है, ठीक। इसके बाद हमें अभी वॉल लेयर की ज़रूरत है, उससे पहले अगर आपको वेंटिलेशन तैयार करना है तो वेंटिलेशन तैयार कर लीजिए। हमने यहाँ देखा कि वेंटिलेशन में मेरा यहाँ पे एक वेंटिलेशन छूटा हुआ है, सिर्फ आपके सर्च कर लीजिए, वेंटिलेशन पर हमने ट्रेस नहीं किया है, तो 2 मिनट लगेगा, आप इसको भी ट्रेस कर दीजिए। तो 3D वेंटिलेशन लेयर एक्टिवेट कराया, और यहाँ से हमने ये लिया, और इस तरह से हमने वेंटिलेशन लिया इसको डन। अब इस वेंटिलेशन को तैयार करिए, यार सीधे एक्टिवेट है ही, ओके। आफ्टर दिस इस वेंटिलेशन को लिया, और इस वेंटिलेशन को लिया। अब वेंटिलेशन की हाइट हम लोग 2 फिट देते हैं, तो हमने एक्सट्रूड किया, और एक्सट्रूड करके 2 फिट डाल के इंटर कर दिया। अब जो सभी वेंटिलेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, और इनको 3D मूव कर दीजिए, इनको 3D मूव हम लोग 5 फिट कर देंगे, कितना 5 फिट कर देंगे, 5 फिट इंटर, इस तरह से वेंटिलेशन आ जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें डोर लेयर सॉरी वॉल लेयर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो जैसे हमने वॉल लेयर के वॉल कौन के देखे, वॉल लेयर आ गया, ठीक। और हमने आपको पढ़ाया है कि किस तरह से यूनियन सेप्टेट और इंटरसेट कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट वीडियो उसको देखिए, तो उस पर आपको पता चलेगा किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेप्टेट कमांड लिया, देखिए बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है माउस को, उसके बाद छोटा ऑब्जेक्ट लेना है और राइट क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे कट हो जाएगा। अभी इसके बाद फिर से आप यहाँ से लीजिए सेप्टेट कमांड, सॉरी ये यूनियन कमांड थी, यहाँ सेप्टेट कमांड लीजिए, फिर से बड़े ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए, राइट क्लिक, छोटा ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसी तरह से अभी फिर से हमने सेप्टेट कमांड लिया, और ये भी वेंटिलेशन हम निपटा देते हैं, जिससे उसके बाद हमारा केवल एक एक करके काम हो जाएगा। अभी देखिए वेंटिलेशन, ये डोर लेयर सॉरी वॉल लेयर, ये भी कट गया, देखिए आप जैसे कलर चेंज हो जाएगा मतलब आप समझ जाइए हो चुका है, हो चुका है। जैसे हमने अभी वॉल लेयर फिर से हमने स्पेस बार को यूज़ कर लिया, तो स्पेस बार से वही कमांड फिर से चल जाएगी। ओके हमारा डोर भी हो गया, इसके बाद केवल विंडो बचे हुए, तो विंडो लीजिए, राइट क्लिक करिए, इस तरह से स्पेस बार वॉल राइट क्लिक विंडो राइट क्लिक स्पेस बार वॉल राइट क्लिक और विंडो राइट क्लिक डन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये सब कुछ तैयार हो चुका है। अब इसको अगर हम रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हमने यहाँ पे डोर की कटिंग कर ली है, विंडो की कटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से हमने सब कुछ कट कर लिया है, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जो भी कलर हमें इस पर चाहिए होगा वॉल पर वो कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखिए जैसे MAT मटेरियल क्लिक करके इंटर किया,
अभी हमारे पास पूरा मटेरियल का एक बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर से जो भी कलर चाहिए हमें वो कलर हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ से अगर यहाँ से ले लूँ तो वो मैंने यहाँ से लिया आपके लिए अभी पेंट कलर। तो हमने देखिए वॉल पेंट कलर लिया तो बहुत ढेर सारे वॉल पेंट कलर आ गए। कोई भी कलर जो हमें पसंद आएगा वो कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से M80 इंटर से आपकी पूरी मटेरियल की लाइब्रेरी आ जाती है। आपको जो भी कलर चाहिए होगा सारे कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से हमने कलर बस स्ट्रेस करना है, ट्रेस करके उसको ड्रॉप कर देना है तो हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट पर अच्छे से कलर कर सकते हैं। Just like that. इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर मटेरियल डाल दिया, पेंट का एक मटेरियल डाल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम लोग यहाँ पे विंडो लगाएंगे, किस तरह सॉरी यहाँ पे डोर कैसे यहाँ पे विंडो लगाएंगे, यहाँ पे किस तरह से डोर लगाएंगे और यहाँ पे वेंटिलेशन कैसे लगाएंगे, उसको कैसे कैसे बनाएंगे, इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप इसको उसको कंप्लीट घर को देखने के लिए Part-3 को देखिए। Part-3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक वीडियो को बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा तो हमने छोटे छोटे वीडियोज के पार्ट करके तो हम लोग उसको बनाएंगे। और इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे आपको कंप्लीट घर बना के दें, नॉट ओनली इन AutoCAD, हम लोग रेविट और 3ds Max और स्टैट प्रो ईडीएस पे भी काम करने वाले हैं। सो आप इसी तरह से आप लोग अच्छे इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए तो हमें भी प्रोत्साहन होता है तो हम लोग आगे करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेशन। फॉर मोर अपडेट एंड फ्यूचर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।